अमिताभ सदी का माना है कि उनके लिए कुछ बोलना नहीं है, उनके ये उन्होंने 10 साल आगे बढ़ा दिया अपना, अपने काम करेंगे वो। डायरेक्शन बहुत तगड़ा है, नागेश्विन जी का बहुत प्यारी फिल्म बनाई है, और ऐसी फिल्म मतलब काफी टाइम बाद मतलब बनी है, मुझे लगता है पहली बार बनी है। जिस तरह से महाभारत का कॉन्सेप्ट आया है उसमें अश्वत्थामा जी का कॉन्सेप्ट था और कृष्ण भगवान का और ये सब पूरा अर्जुन का कॉन्सेप्ट था, मजा आ गया पूरा है। अमिताभ बच्चन सर ने बहुत अच्छा काम किया ये मूवी में, लाइक उनके एक्शंस एंड ऑल सब ऑन पॉइंट है। बिल्कुल नहीं, 3 घंटे की फिल्म में कहीं भी बोरिंग नहीं लगा। नाग अश्विन सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और फिल्म बिग बी के लिए तो आप जरूर आइए। सुपर हिट फिल्म। अमिताभ सदी का माना है कि उनके लिए कुछ बोलना नहीं है, उनके ये उन्होंने 10 साल आगे बढ़ा दिया अपने काम करेंगे। फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझे, काफी फिल्म अच्छी है, डायरेक्शन बहुत तगड़ा है, नाग अश्विन जी का बहुत प्यारी फिल्म बनाई है, और ऐसी फिल्म मतलब काफी टाइम बाद मतलब बनी है, मुझे लगता है पहली बार बनी है। जिस तरह से महाभारत का कॉन्सेप्ट आया है उसमें अश्वत्थामा जी का कॉन्सेप्ट था और कृष्ण भगवान का और ये सब पूरा अर्जुन का कॉन्सेप्ट था, मजा आ गया पूरा दमदार। अमित जी का काम बहुत सुपर है और प्रभास और दीपिका मैम का तो है ही तगड़ा, उसमें मेरा दोस्त भी है चंद्रमोहन, पतला सा बंदा है, बहुत तगड़ा काम किया उसने, मजा आ गया, बड़ा बहुत दमदार, बहुत अच्छा काम किया, बहुत दमदार काम किया उन्होंने, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है नागेश्विन जी ने, और सबको फिल्म देखनी चाहिए, बहुत प्यारी फिल्म है, और इंटरवल के बाद तो और मजा आ गया, मतलब यूँ मान लीजिए आप। मजा आया मूवी देख के, लाइक बहुत मजा आया। प्रभास हैज डन अ वेरी गुड जॉब, बट द मूवी हाईलाइट इज गोइंग टू बी अमिताभ बच्चन सर। अमिताभ बच्चन सर ने बहुत अच्छा काम किया ये मूवी में, लाइक उनके एक्शंस एंड ऑल सब ऑन पॉइंट, दैट इज ओके, लाइक वो नहीं रहता तो भी ऐसा कुछ वैल्यू एड ऑन नहीं कर रहा था। परफॉर्मेंस सबके बहुत ही अच्छे थे क्योंकि सभी एवरग्रीन एक्टर्स है तो सबने अपना 100% दिया है। एक्चुअली उनके हार्डली 2 या 3 सीन होंगे लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो सभी के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे। सबसे ज्यादा अगर सीन है पूरी फिल्म में तो अमित सर के हैं, और ये आई थिंक ऑब्वियसली ये सीजन 1 है और आई थिंक 2-3 भी आने वाले हैं, तो इस सीज़न में अमित सर के सीन सबसे ज़्यादा, उन्होंने अपना 100% दिया है। सब मूवी तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, स्टोरी लाइन से एक 6000 साल पुरानी कहानी की, जो जिस भी युग में कुछ गलत चीज़ें होती है या अनिष्टाना होता है तो विष्णु अपना अवतार लेने के लिए फिर से आ जाते हैं, तो ऐसे ही बताया गया कि जब एक नया युग आने वाला है और उसका रक्षा करने के लिए जो श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को महाभारत के युद्ध में जो श्राप दिया था उससे छुटकारा पाने के लिए इनको ये कार्य पूर्ण करना था, तो इस स्टोरी लाइन पे उन्होंने ये कहानी बनाई है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत ही तगड़ा बनाया है। फिल्म बवाल थी सीरियसली, मैं अमिताभ बच्चन के लिए, मैं अमिताभ बच्चन फ़ैन हूँ, मुझे कुछ 18 साल हो गए अमिताभ बच्चन के फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हुए, और सिर्फ कोविड में 2 फिल्में चूँकी जो OTT पर रिलीज़ हुई वो नहीं देख पाया, बाकी सारी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी है मैंने। मुझे बहुत मायूसी हुई मूवी देख के, मैंने इसका ट्रेलर देखा था और मुझे बहुत अपेक्षाएं थी ये मूवी से, पर कहीं ना कहीं ये मेरी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उभरी। मुझे लगता है कि इसके सामने आदि पुरुष को ऑस्कर मिलना चाहिए, या फिर साहो मूवी जिसको इतना लोगों ने स्लैम किया फिर भी कामयाब हो गई थी, उसमें बेटर रोल था। इसमें तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है प्रभास का, ये मूवी सिर्फ अगर एक एक्टर एक महानायक के लिए देखने लायक है वो है अमिताभ बच्चन जी, जिस भी वो फ्रेम में आए हूँ वो काबिल तारीफ है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, सूरज को रास्ता दिखाना। फाइव अगर लेंगे तो 5, 10 अगर लेंगे तो 10, 3 या 5/5, 4.5 सर, 4.5 मैं दे दूंगा इसको, 5 से 5 दूंगा।